बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैट फेस्टिवल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है आज आप सभी के लिए, और कौन सी गुड न्यूज यानी कि कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है आपको बहुत जल्द, इसी पर आज की हमारी रीडिंग होने वाली है। तो आप हो जाइए मैनिफेस्टेशन दुआएं और प्रेयर्स के साथ तैयार, क्योंकि खुशखबरी कभी भी आ सकती है। ईश्वर उसे किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं। तो उस खुशखबरी का ताल्लुक आपके जीवन में कैसे होने वाला है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा आप करने वाले हैं। तो ट्रस्ट के साथ ही जो है आपको रीडिंग देखना है गाइस। तो चलिए सबसे पहले आपके बारे में या फिर आपके लिए एडवाइस कार्ड यहाँ से मैं निकालूंगी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस निकल कर आता है इस कार्ड से। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आई है, एक और निकालेंगे। वाओ, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, गाइस आपके लिए तो कप की एनर्जी जो है निकल कर आई है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, आज का जो रीडिंग है, आज का जो सवाल है वो खुशखबरी को लेकर, गुड न्यूज़ को लेकर ही जो है आप जानते हो, है ना। तो उसका ताल्लुक जो है बहुत ज़्यादा आपके कार्ड से निकल कर आ चुका है। सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं कि आप कैसे हो, कैसे बनाए गए हो, ईश्वर ने आपको कैसे जन्म दिया है इस धरती पर, कैसे गुण हैं आपके अंदर, कैसा बिहेवियर है आपका, नेचर कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, ये सारी बातें इस एक कार्ड से आपके बारे में पता चल जाएगी। लविंग, कंपैशनेट, साइकिक, सेल्फ सेक्रीफाइजिंग, डीप साइकिक इंसाइट्स। तो आप एक ऐसे इंसान हो जब बहुत ज़्यादा प्यार देना जानते हो, लविंग हो, बहुत ही प्यारे हो, दुलारे हो, सबको प्यार बांटते आए हो, प्यार आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा साइकिक जो एक वर्ड आया है, इस शब्द का अर्थ जो है आपके थड़ाई चक्रा से हो सकता है, या आपका कुछ लोग होते हैं ऐसे, ईश्वर का कुछ वरदान होता है उन लोगों में ना, कि उनको बहुत जल्दी चीज़ें पहले से ही पता चल जाती है, कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, या किसी के बारे में जो है आप अगर जानना चाहते हो तो पहले से ही आपके मन के अंदर आभास होना शुरू हो जाता है कि कुछ तो अनर्थ होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, या किसी के बारे में भी अगर आप सोचते हो तो आपके मन में ना पहले से ही उस व्यक्ति के बारे में आपको जवाब मिल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा। तो बहुत साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर है, यानी कि ईश्वरीय शक्ति या गुण आपके अंदर हो सकता है। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अब ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा गहरा अर्थ निकलता है इसका, क्योंकि सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मतलब हमेशा खुद को त्याग कर देना, दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों की चाहत के लिए, अपनी मर्जी, अपनी खुशियों को जो है हमेशा आप जो है छोड़ देते हो, बलिदान कर देते हो ताकि दूसरे खुश हो सके। तो आपको ऐसे बनाया गया है ना कि आप खुद के लिए नहीं बने हो, ऐसा लगता है कि आपको दूसरों के लिए पैदा कर दिया है ईश्वर ने, कि आप जो है दूसरों के लिए मरते चले जाओ, मिटते चले जाओ, कुर्बान होते चले जाओ, अपनी खुशी को खोते चले जाओ, दूसरों को खुशियां देते चले जाओ। तो ये एक आपकी आदत में शुमार है कि आप जो है अपने बारे में कभी नहीं सोचते हो। केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दूसरों की तो बहुत फिक्र है आपको, है ना, दूसरों की तकलीफों की फिक्र होती है, पर खुद की फिक्र आप कभी नहीं करते हो, खुद को प्यार करना कभी नहीं जानते हो, खुद के लिए वक्त कभी नहीं निकालते हो, खुद के लिए खुशियां कभी नहीं ढूंढते हो। आपका जीवन जो है हमेशा दूसरों की देखभाल और दूसरों की ही फिक्र में बीतता है ना। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि आप एक साइकिक एबिलिटी, यानी कि आपके अंदर जो है बहुत अंतरात्मा में जो है आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो जाता है, इसीलिए आपके मन के अंदर कुछ भी आता है तो उसे जो है आपको भरोसा करना है। मतलब दूसरे लोगों की सुनने से पहले, दूसरों पर भरोसा करने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों से मत पूछो, पहले अपनी आत्मा से पूछ लो कि मैं जो कर रही हूँ या जो मैं करने वाली हूँ क्या वो करना ठीक होगा, चाहे वो किसी पर भरोसा करना हो, किसी के साथ प्यार करना हो,
है ना, कोई भी बहुत बड़ा फैसला लेना हो, इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं करना हो, इन सारी चीज़ों को लेकर पहले खुद से सवाल कीजिए, क्योंकि आपका दिल, आपकी आत्मा कभी भी आपको झूठा सजेशन नहीं देगी, वो आपको सही रास्ता ही देगी, ठीक है। इसीलिए इसे आपको बिल्कुल भरोसा करना है। अ डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉलो योर हार्ट, तो आपके मन में देखिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, आपके आसपास में जितने भी लोगों को आप जानते हो, चाहे वो अजनबी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गैर हो, मदद तो आप करते ही हो, पर उनकी फिक्र भी बहुत ज़्यादा करते हो, उनको प्यार भी आप बहुत ज़्यादा करते हो। तो फॉलो योर हार्ट, यानी कि दिल की सुनो, दिल की ही मानो। तो ये तो जो है आपके बारे में कुछ बातें पता चली है मुझे, कि आप भी ऐसे ही इंसान हो। अब बात करते हैं कि सिक्स ऑफ कप्स, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो चलो इसका जो है आंसर यहाँ से हम थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अल्फाबेट क्यू इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही अल्फाबेट जेड भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आया है, साथ ही साथ नंबर 14 भी इम्पॉर्टेंट नज़र आया है। चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, रिवाइजिंग ऑल ड्रीम्स और प्लान्स, एम्बैरेसिंग योर इनर चाइल्ड, द रिटर्न, सुनिए ध्यान से, द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज टू बी। तो देखिए गाइस, शायद ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जो है, ऐसा लग रहा है कि आप रिविजिटिंग योर ओल्ड ड्रीम, जो पुराना सपना था आपका, उस वहाँ पर जो है आप वापस पहुँचते हुए नज़र आए हो। पुराने पहले किए गए सपने, वचन, जो भी होता है वादा, जो आपने देखा है, जो आपने किसी के साथ किया है, उन चीज़ों में जो है आप वापस लौटते हुए नज़र आए हो, है ना। आपके अंदर भी एक बचपना है, बच्चे जैसे हो आप, है ना, और आपके इस बचपने वाले दिल ने जो है बहुत सारी ख्वाहिशें यहाँ पर संजोई हुई है, जो पास्ट से जुड़ी हुई है। द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, देखो रोमांस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके जीवन में कुछ लोगों की वापसी हो रही है, जिसके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपका शायद दिल का रिश्ता है, जिसके साथ आपका प्यार का रिश्ता है, या फिर आपका दोस्ती का रिश्ता है। तो पास से ही जो है कुछ लोग, है ना, वो दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर रोमांस शब्द का जब इस्तेमाल हुआ है तो बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद करती हूँ और बहुत ज़्यादा ये सोचती हूँ कि रोमांस हम अपने पार्टनर के साथ करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, ना, तो वहाँ से जो है कुछ वापसी हो रही है, कुछ लोगों की वापसी होती हुई आपके जीवन में नज़र आई है। रोमेंटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज टू बी, और आप जो है अभी से ही, मैं देख रही हूँ कि उन पलों को सोच सोच कर ही अभी भी जो है आपके मन में उमंग भर चुका है और भरने की जो है स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि पास्ट के किसी भी लोग जो आपसे बिछड़ गए हैं, जो आपसे दूर हो गए हैं, अचानक से उनसे मिलने का अगर आपको मौका मिलता है, उनके साथ रोमांस, प्यार वाली जो है पहले की तरह ही जिंदगी अगर आपको जीने का मौका मिलता है, तो आप सोचो आपके जीवन में कितना जो है आपको खुशी का अनुभव होगा, आपके लिए ये कितनी बड़ी गुड न्यूज़ होगी, है ना। तो ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में सिक्स ऑफ कप्स, यानी कि रिटर्निंग बैक ऑफ पीपल फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, फ्रॉम योर पास्ट, है ना, आपके जीवन में पास्ट में जो लोग जुड़े थे वो, उन लोगों की वापसी हो रही है और उनसे जो है आपका मिलना होता हुआ यहाँ पर नजर आया है। तो पहला गुड न्यूज ये नजर आया है। देखो दोनों ही कप्स की एनर्जी आई है जो ये बताती है कि आप बहुत सेंटिमेंटल हो, आप बहुत मासूम भी हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप जो है मतलब ज़्यादा कहते हैं ना कि आपके मन के अंदर ज़्यादा किसी, ये गैर, ये अपना, ये पराया, ऐसी भावना कभी भी होती नहीं है, बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो आप, तो आपको शायद इसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही कार्ड कप को लेकर आया है। बहुत जल्दी रो देते हो आप, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हो आप, बहुत जल्दी टूट भी जाते हो आप, बहुत जल्दी आपका दिल भी दुख जाता है, बहुत जल्दी आँखों से आंसू भी गिरते हैं, ऐसे इंसान हो आप, यानी कि आपको थोड़ा सा भी दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो ये आपके बारे में बताया गया है यूनिवर्स की तरफ से, देखते हैं क्या है। माइंड एक्सपीरियंसिंग, तो यहाँ पर दो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं और बॉटम में जो है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि डेथ की एनर्जी निकल कर आई है। तो नंबर 3 और नंबर 13 आपके लिए खास हो सकता है। तो अभी देखो ये दोनों जो कार्ड्स आए हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसिंग,
इन दोनों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ बहुत गहरा है। चोली दामन का साथ होता है ये, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि डेथ की एनर्जी जब भी आएगी वो आपको अनुभव सिखा कर जाएगी, वो आपको ज़िंदगी में ठोकर भी देगी, वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी देगी, आपको बहुत बार पटक पटक कर गिराएगी, आपको चोट भी लगेगी, आपको दर्द भी लगेगा और आप उठकर खड़े भी हो जाओगे। तो ये जो जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आपको जीवन का अनुभव सिखा रहा है ना, कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है। जीवन छोटा है पर उस छोटे जीवन को भी हमें लंबा जीना पड़ता है, हर कदम पर संघर्ष होते हैं। तो अगर जब तक आप ठोकर खा खा कर मजबूत नहीं हो जाओगे, आप इतनी बड़ी दुनिया का सामना कैसे करोगे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आप जैसे प्यार करने वाले इंसान बहुत कम हैं और नफरत फैलाने वाले बुरे दिमाग वाले लोग है ना, ये बहुत ज़्यादा है गाइस। तो इसीलिए आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एक एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, ताकि आगे के जीवन में आप ठोकर ना खा सको। तो डेथ ने बताया है कि जो भी भुगत रहे हो, जैसा भुगत रहे हो, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। डेथ यानी कि बहुत चीज़ें टूटी हैं, बहुत चीज़ें बिखरी हैं, बहुत चीज़ें खत्म हुई हैं, आपके ना चाहते हुए भी आपने बहुत चीज़ खोया है अपने जीवन में, बहुत सारे रिश्ते खोए हैं, बहुत सारा धन भी आपने खोया है, आपने बहुत सारे सपने भी खो दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि खोने का जो सिलसिला है ना, वो कुछ ज़्यादा ही है आपके जीवन में। तो जो खोया है उसे पाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये डेथ आपको वो सारी चीज़ें लौटाएगा, क्योंकि इसका जो है फ्यूचर हमेशा रिबर्थ होता है। वहीं पर साथ में देखो माइंड का कार्ड आया है, तो ये हम सोच रहे हैं कि एक प्यारा इंसान, प्यार करने वाला इंसान जो छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा है, उस इंसान के साथ आज ऐसा क्या हो गया है कि उसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा, उसके दिमाग को जो है वो ठीक नहीं रख पा रहा, बहुत सारी मजबूरियां हैं उस दिमाग में, बहुत सारी चिंता है, चिंता खाए जा रही है, स्ट्रेस यहाँ पर हो रहा है, तनाव यहाँ पर हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है ना, तो टोटली जो है दिमाग का संतुलन आपका खोता चला जा रहा है। तो ऐसी अवस्था क्यों आई है, इसके बारे में तो हम जब टैरट से निकालेंगे कि आपका माइंड आज इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में क्यों है, वो हमें तब पता चल जाएगा। हालांकि आज रीडिंग तो गुड न्यूज़ की है, तो गुड न्यूज़ का जो पहला आपको गिफ्ट मिला था वो है रिटर्न बैक फ्रॉम पास्ट, पीपल रिटर्निंग बैक फ्रॉम पास्ट। आपके जीवन में इतिहास से या पिछला जो समय था वहाँ से जो है कुछ लोग आपके जीवन में लौटकर आ रहे हैं, जिनके साथ आपका एक बहुत ही खूबसूरत पल समय जो है बीता हुआ नजर आया है, ये खुशखबरी निकल कर आई है। ठीक है, तो चलिए अब टैरट से और इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। मैसेंजर ऑफ फायर, एस ऑफ अर्थ, सिक्स ऑफ एयर, हैंगमैन, वाओ, एट ऑफ वैंस, सन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है गाइस, एम्परर। तो चलिए साइन और एलिमेंट आपके बता ही देती हूँ, क्योंकि ये साइन और एलिमेंट आपके ही होंगे आज, क्योंकि आपका ही गुड न्यूज़, आपकी ही खुशखबरी, आपके ही ज़िंदगी में हो रहे बदलाव के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। तो आज लियो की एनर्जी खास है सन के कार्ड से, एरिस की एनर्जी खास है एम्परर के कार्ड से, मेजर अरकाना से। इसके अलावा हमारे पास फायर साइन है लियो, सजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और वाटर साइन भी है, क्योंकि आपके पास वाटर ही वाटर आया था जब मैंने दूसरे डेक से निकाला था, क्वीन ऑफ कप्स आया था, सिक्स ऑफ कप्स आया था, वो वाटर साइन होता है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो गाइज, अब कौन सी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है,
इसके बारे में आपको खुशखबरी दूं, उससे पहले बता दूं कि आपका जीवन अभी कैसा है, क्यों है और क्यों ये सारी चीजें हो रही है। सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया था कि डेथ का कार्ड जैसे आया, यानी कि आपका जो है समय, आपका जो अभी परिस्थिति है वो आपके आपके जितने अच्छा करने से भी अच्छा हो नहीं पा रहा, क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है बाकी, है ना, जो जब तक सुधरेगा नहीं, जिसे आप जब तक पार नहीं करोगे, चीजें इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी। पहले बहुत अनुभव करवाएगी, आपको गिराएगी, आपको थकाएगी, आपको चोट पहुंचाएगी। अब जब सारा का सारा दर्द दुख तकलीफ आप भुगत लोगे, आपका पुराना हिसाब किताब आप चुकता कर दोगे, उसके बाद आपके जीवन में वो सारी खुशखबरी आएगी जो अभी तक आपको मिल नहीं पा रही है। तो अभी आपके जीवन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो हैंगमैन आया है। हैंगमैन क्या होता है जानते हो? हैंगमैन यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके शरीर में बिल्कुल भी बल नहीं है, जिसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, जिसके दिमाग में भी बिल्कुल कुछ सोचने या करने की जो है इसमें जो है क्षमता नहीं रह गई है। ये व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल लाचार सा महसूस करता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन मेरे जीवन में अच्छा होगा, पर जब होगा तब होगा, अभी मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्योंकि आपका जो अंतरात्मा होता है, आपका जो मन होता है ना, वही कहीं ना कहीं निराशाजनक है, वही बुझ चुका है, उसमें ही कुछ करने की अब जो है लालसा या इच्छा नहीं बची है। तभी आपने अपने जीवन को जैसा है वैसे ही रहने दो वाले कंडीशन में जो है आपने त्याग दिया है या छोड़ दिया है। आपको कुछ करने का मन नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि सारा दिन बैठे रहूं, सारा दिन जो है बस अपने कमरे में ही रहूं, अपने बेड पर ही रहूं, किसी से बात ना करूं। कोई आपसे कहता है कि चल बाहर निकलते हैं, या कहीं मार्केट चलते हैं, या चल शॉपिंग पर चलते हैं, या आपको कोई दोस्त फोन करके बुलाता है, तो भी जो है आपको कहीं पर निकलने की इच्छा नहीं होती। आपको जो है बस वही रहने का मन होता है, क्योंकि आपके शरीर में वो ताकत है ही नहीं कि निकलकर कुछ अच्छा जो है जीवन जी लूं। आप नहीं चाह रहे हो ऐसा बिल्कुल भी। मन और मस्तिष्क दोनों ही आपका बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, ऐसा नजर आता है। वहीं पर मैं देख रही हूं कि एम्परर का जो कार्ड आया है वो तो देखो एक्सपीरियंसिंग तब भी आ गया था यूनिवर्स के कार्ड से ना, तभी दिख गया था कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अभी बिल्कुल चुप हो, आपको बोलने का भी मन नहीं होता ज़्यादा, किसी से कुछ कहने का भी मन नहीं होता। शायद पहले बहुत कह चुके हो या पहले बहुत बोल चुके हो, अब जो है आपने बोलना बंद कर दिया है, है ना। बहुत ज़रा खामोशी आपके अंदर नज़र आती है, तो वहीं पर बहुत ज़रा तूफान आपके मन के अंदर नज़र आता है ना। देखने में भले ही बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, लोग आपको देखकर कहते होंगे वाह भाई इसके जीवन को देखो, किसी चीज़ की कमी नहीं है, है ना, पर बहुत सारी कमी है जो आपको सिर्फ आपको पता है। वो कमियां किसी और को नहीं मालूम, क्योंकि आप उन्हें अपनी कमियां बताते भी नहीं हो, आप अपनी इच्छा तक नहीं बताते हो। तो इस तरीके से बहुत ही सिंप्लिसिटी आपके अंदर नज़र आती है, पर बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही है गाइज। वो कहते हैं ना कि तूफान से आने के पहले की जो शांति होती है ना, वही शांति आपके चेहरे पर अभी है, पर अंदर इतना तूफान चल रहा है, किसी को नहीं पता कि कितना भड़क रहे हो आप, कितना जल रहे हो आप, कितना तड़प रहे हो आप, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें दिखाना आप छोड़ दिया है। बहुत अनुभवी हो चुके हो, बहुत आप मैच्योरिटी आपके अंदर नज़र आती है ना। आप जो है कभी भी कोई गलत डिसीजन या फैसला नहीं लेते हो, है ना। आप जो है बहुत शांत रहना पसंद करते हो, रिजर्व्ड एनर्जी हो, जो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता बोलता जो है चहकता ऐसा नहीं है, चुलबुलापन आपके अंदर नहीं नजर आता। आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, लेकिन सेंसिबल भी हो, ठीक है। तो ये आपके बारे में दिखा है। बाकी बात करें फोर ऑफ पेंटिकल्स की, अब ये क्या जुनून पाल कर रखा है गाइज आपने? ये तो जुनूनी कार्ड होता है फोर ऑफ पेंटिकल्स। किसी की आदत है आपको, है ना, कोई है जो आपकी आदत में सुमार है, कोई है जिसे आप देखे बिना रह नहीं पा रहे, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, जिसे आप भुला नहीं पा रहे हो। तो ये तो एक आदतन जो है हैबिट होती है ना, मतलब किसी की आदत पड़ गई है आपको, उस आदत से जो है आप छूट नहीं पा रहे हो। और ऐसी आदत है जो जिसने आपको टोटली क्रेजी जो एक वर्ड होता है ना इंग्लिश में, कि मतलब उसे पाए बिना, उसे हासिल किए बिना मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, हर कीमत पर हर हाल में किसी भी जो है सिचुएशन में मुझे उसे हासिल करना है। तो ये एक आदत आपके अंदर मुझे किसी के लिए नज़र आती है, जिसे आप बे इंतहा पसंद करते हो या प्यार करते हो, या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो आप उसके लिए सिर्फ क्रेजी नहीं हो, ये एनर्जी जब भी आए तो छुनो मुनो वाला कार्ड कहती हूँ मैं इसे, क्योंकि ये दिखने में भले ही छोटा है, चार नंबर
कार्ड है, दिखने में भले ही छोटा है पर इसका उद्देश्य और इसका सपना देखो कितना बड़ा है। छोटा पैकेट है पर इसने देखो कितना बड़ा धमाका कर रखा है। पैरों में भी उसने उसी कॉइन को पकड़ रखा है, हाथों में भी उसने उसी कॉइन को पकड़ रखा है, यहाँ तक कि अब हाथ और पैर इसका जो है फुल हो चुका है, तो इसने अपने सर तक भी जो है उसी पैसे को या उसी कॉइन को पकड़ के रखा है। कहने का मतलब है कि आपके तन मन धन, आपका जिगर, आपकी आत्मा, आपका दिमाग, सब कुछ उसी जिसके ऊपर केंद्रित है। आप उसे किसी भी कीमत पर आप उसे जो है छोड़ना नहीं चाहते, ना हाथों से छोड़ना चाहते हो, ना दिमाग से निकालना चाहते हो, ना पैरों से खिसकने देना चाहते हो, ना दिल से हटाना चाहते हो। इस तरीके से आपको जो है किसी चीज की आदत है, आपको लत लग गई है, आपको जो है एडिक्शन हो चुका है और आप उसे हर कीमत में हर तरीके से जो है आप उसे हासिल करने के लिए आमादा हो। ये आपका पागलपन यहाँ पर नजर आया है गाइस। अब देखो सभी लोग ऐसे नहीं होंगे पर आया है तो आया है भाई, आप हो ऐसे। अब इसे मान लो गाइस, ठीक है, मानना ही पड़ेगा आपको क्योंकि ये आपके बारे में दिखा रहा है कि दिखने में देखो कितना शांत है पर अंदर से जो है किसी चीज के लिए कितना ज्यादा जो है इसको ये तड़प रहा है या तड़प रही है कि कैसे भी पाना है पर बताया नहीं है, खामोश है ना। ये बिल्कुल खामोशी से किसी चीज को चाहने वाली या चाहत वाली एनर्जी होती है, तो आपका वही अंदर चल रहा है, वही तूफान चल रहा है। अब बात करते हैं उन कार्ड्स के बारे में कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है। आपके जीवन में अभी रुकावटें बहुत चल रही है क्योंकि एट ऑफ वैंड्स, तो ये अब रुकावटें खुलने वाली है आपके जीवन में, उसका कार्ड है ना। पर अभी तक जो है रीडिंग होने से पहले तक का अगर आपका जीवन देखूं तो आपके जीवन में बहुत सारी जो है बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, ब्लॉकेजेस है, वॉल्स है, दीवार है, रुकावटों से चल रही है आपकी ज़िंदगी। समझ रहे हो ना, कभी आपने एक ही शॉट में या एक ही बार में आपने कभी कोई रेस जीता नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल दावे के साथ आपसे कह सकती हूँ कि कुछ लोग होते ना कि एक अटेम्प्ट में ही, एक प्रयास में ही हासिल कर लेते हैं, पर आपके जीवन में ऐसा नहीं होता। आप एक अटेम्प्ट करोगे, उसे पार करोगे तो दूसरा वहां पर खड़ा हो जाएगा प्रॉब्लम, उसे आप हटाने की कोशिश करते करते रह जाते हो कि तीसरा जो है आपके पास आकर दीवार खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से रुकावटों से भरी हुई आपकी ज़िंदगी अभी तक की जो है नज़र आई है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि आप में से आपके कई अपने या आपके कई लोगों ने ना आपसे रिश्ता तोड़ा भी है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है टोटली आपसे डिसकनेक्शन वाला एनर्जी होता है कि कोई है जो आपसे रूठ गया है, कोई है जो आपसे बोल नहीं रहा, कोई है जिसने आपसे जो है अपना संबंध तोड़ दिया है ना, आपका चेहरा भी नहीं देख रहा है ना। ऐसे कुछ लोग भी हैं आपके जीवन में जिनसे जो है आपका टोटली कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है वो स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन से लेकर जिंदगी दोनों ही में रुकावटें बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर नज़र आती है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी खुशखबरी है जो आपको मिलने वाली है। तो पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो आपके लिए ही निकल कर आया था कार्ड सिक्स ऑफ कप्स की, कोई है जो पास से आ रहा है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यही वो रुकावटें जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचने दे रही है। 4+4 होता है 8 और 8 मतलब ये जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो रही है। आपके यहाँ पर सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो कम्युनिकेशन को लेकर आ रही है गाइज, ठीक है। ये दूसरा वो गुड न्यूज़ है जो आपको अब स्वीकार करना पड़ेगा, आपको मिलने वाला है। तो कम्युनिकेशन, किसी से बात हो जाएगी आपकी, किसी का कॉल आ जाएगा आपको जिससे काफ़ी समय से आप बात नहीं कर रहे थे या जो आपसे काफ़ी समय से रूठा हुआ या रूठी हुई थी, जिसने आपको जो है टोटली अपने हर अकाउंट से डिलीट कर दिया था, आपको अपने फ़ोन लिस्ट से डिलीट कर दिया था, है ना, आपको जो है टोटली ब्लॉक कर दिया था। तो ऐसे ही लोगों के द्वारा जो है मैं देख रही हूँ कि वो खुद जो है आपको जो है या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको आपसे बात करनी है। तो इस तरीके का जो है सबसे बड़ा रुकावट यहाँ पर हट रहा है कम्युनिकेशन का और आपके जीवन दोनों में ही से रुकावटें यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स खोल रहा है। और जैसे ही ये रुकावट खुल गई, आपका जो ये चाहत है, आपकी जो ये आदत है ना, ये आदत भी कई मैं देख रही हूँ कि इस आदत में भी जो है आपको थोड़ा सा सांत्वना मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी कुछ रुकावटें हैं जिसकी वजह से आप इसे हासिल नहीं
कर पा रहे हो, तो ये 8 of Wands का खुलते ही आपका भी जो है सब कुछ आसान होने लगेगा। ठीक है, आपको फिर जबरदस्ती किसी को इस तरीके से पकड़ कर रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ सामान्य अवस्था में आपके जीवन में अब होने वाला है। दूसरा मैं देख रही हूँ कि रिटर्न बैक, देखो 6 of Air यहाँ पर आया है। मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है गाइज, है ना, उन प्रॉब्लम्स के सहारे ही आप जीवन जी रहे हो। आपको कभी भी मतलब अकेले आपको कभी भी जो है अकेले अपने लिए जीवन जीने का समय नहीं मिलता या आपको मौका नहीं मिलता है। आप हमेशा मुसीबतों से घिरे रहते हो, आप हमेशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपके जीवन में, क्योंकि लहरें देखो आप देख रहे हो, लहरें आती रहती है, आपके नाव को डुबोने की कोशिश करती है, आपके सपनों को जो है आपको आपके सपनों से दूर करने की कोशिश करती है, है ना। कभी भी आपने कुछ चीज़ की नहीं कि आपको फिर उसे छोड़कर जो है दूसरी तरफ आपका रुख हो जाता है, आपको छोड़ देना पड़ता है, आपको दूसरी जगह चले जाना पड़ता है। तो इस तरीके का आपका जीवन का सफर लहरों और तूफानों से हमेशा घिरा हुआ है। पर मैं आपको एक वचन देती हूँ या वादा करती हूँ कि बहुत जल्द आपके जीवन से ये तूफानी जो लहरें हैं, जो बार बार आपको डुबो रही है, आपको किनारे तक पहुँचने नहीं दे रही, ये लहरें अब खत्म हो रही है गाइज, क्योंकि 6 of Air बताता है कि अब आपकी सेफ लैंडिंग हो रही है। आप बहुत सुरक्षित तरीके से आप किनारे पर आ रहे हो। किनारे पर आने का मतलब क्या है? आप अपने उद्देश्य के पास पहुंच रहे हो, आप सपनों की तरफ पहुंच रहे हो, आप सफलता की तरफ पहुंच रहे हो, आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हो। और ये जो है सबसे बड़ा चेंज आपके जीवन में हो रहा है। जैसे कि आप जो है कहते ना कि आप किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में अभी फंसे हो तो आप उससे निकल जाओगे, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है, है ना, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप किसी और शहर में ट्रांसफ़र हो सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी नौकरी लग सकती है। इस तरीके से जो है कुछ ना कुछ मतलब आपको तूफान से निकाल कर एक बहुत ही स्टेबल धरती आपको मिलने वाली है। ठीक है, तूफान में लहरों में सागर में तो नाव डगमगाएगा ही, डोलेगा ही, है ना, तो उसके लिए आपको धरती पर आने की जरूरत है। तो वो धरती अब आपसे ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि आपकी शिफ्टिंग हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आया है एस ऑफ अर्थ। कई लोगों की खुशखबरी पैसों से या कैरियर से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप एक कदम अब पैसों की तरफ बढ़ा रहे हो, या एक कदम आप बिजनेस की तरफ बढ़ा रहे हो, या एक कदम आप अपने कैरियर की तरफ बढ़ा रहे हो। जो भी हो, जैसा भी कदम हो, वो आपको पैसा ही देगा, वो आपको सम्मान देगा। अर्थ का मतलब हमेशा देखो सहन शक्ति भी होती है, अर्थ का मतलब हमेशा पैसा धन भी होता है, है ना, सोना चांदी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो धरती होती है वही सोना उगलती है, है ना, वही वही सब कुछ उपजाती है ना, उसी के द्वारा जो है हम इंसानों का जीवन चलता है। तो आपकी भी जो सहन शक्ति रही है, आपने भी जितना भी कष्ट कर जीवन बिताया है, उन सारी चीज़ों का समाधान धीरे धीरे हो रहा है और आपकी जो है प्रोग्रेस यहाँ पर हो रही है, बिगनिंग यहाँ पर होती हुई नजर आई है, और आपका मान सम्मान तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़े कार्ड के बारे में जो आया है मेजर अरकाना का सन। और मेजर अरकाना का सन ये वो तेजी वाला कार्ड है, वो खुशखबरी वाला कार्ड है, साइनिंग सन जिसे हम कहते हैं ना कि सवेरा, है ना, सवेरा जो आ रहा है आपके जीवन में ना, वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, है ना, आपको आपके जीवन को संपन्न करने के लिए। आपका जो जीवन अभी उद्देश्य से हट गया है, आपका जो जीवन हमेशा यहाँ पर तकलीफें ही तकलीफें भुगत रहा है, उन सारी चीज़ों से जो है सन आपको बचाएगा, आपको जो है छांव देगा, है ना। धूप का कार्ड होता है, पर आपको छांव मिलेगी इस सन में, क्योंकि ये सन खुशियां लाता है, है ना, ये सन इज्जत लाता है, ये सन पैसा लाता है, ये सन बिछड़े हुए को मिलाता है, ये सन बच्चे देता है, ये सन जीवन साथी देता है, ये सन खुशखबरी देता है, ये सन वो हर चीज़ देता है जिसकी वजह से आपकी जो ज़मीन है वो कुछ सोना उगल नहीं पा रही है। तो ये सन सारी की सारी खुशियां लेकर आपके जीवन में आ रही है। शायद इसी सन में ये कम्युनिकेशन आया है, इसी सन में जो है आपके जीवन की नई शुरुआत नज़र आई है, और इसी सन में वो भी आ रहा है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, जिसके लिए आप मैड हो, जिसके लिए आप पागल हुए जा रहे हो, वो भी ये सन ही आपके जीवन में लेकर आएगा। सुख समृद्धि शांति खुशियाँ रिश्ता प्यार शादी बच्चे हर चीज़ जो है यहाँ पर आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये खुशखबरी ज़्यादा अब समय नहीं लगेगा, ये ब्लॉकेजेस वाले का रीडिंग नहीं है, ये ब्लॉकेजेस खुलने वाली रीडिंग है। और मैसेंजर ऑफ फायर भी आपको वही बताता है कि आपके जीवन में जो दिया बुझ चुका है,
आपके मन का जो सपना बुझ चुका है आपके मन में, देखो अभी तो उम्मीदें बिल्कुल नहीं है, हैंगमैन का मतलब ये है कि जो होगा अब होगा, रहने दो वाली एनर्जी होती है ना, कि अब मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना, आप मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी है, जो होगा देखा जाएगा वाले अवस्था में अभी आप हो। तो बहुत जल्दी आपके इस बुझे हुए मन में रोशनी यहाँ पर आ रही है, रोमांस यहाँ पर आ रहा है, प्यार यहाँ पर आ रहा है, पहले से भी ज़्यादा बड़ी ताजगी आपके अंदर अब आप महसूस करोगे, कुछ करने का मन होगा, आगे बढ़ने का मन होगा, निकलने का मन होगा, क्योंकि फायर हमेशा उत्तेजना पैदा करता है, फायर हमेशा उत्तेजित करता है ना। तो वही मैसेंजर ऑफ फायर आपके लिए आया है कि अब जो है बुझने का समय गया, अब जलने का समय है, अब कुछ करने का समय है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके जीवन में खुशखबरी लेकर आने वाली है गाइज। सबसे बड़ा ही सन है तो सन में सब कुछ आ जाता है। तो चलिए आपके लिए और कुछ कार्ड देखते हैं निकाल कर। न्यू डोर ओपनिंग आपके लिए, नए दरवाजे, नए रास्ते, नया सॉल्यूशन आपके लिए आ रहा है। जो दरवाजे बार बार आपके मुंह पर बंद हुए हैं, है ना, आप पहुंचने ही वाले होते हो और फट से कोई दरवाज़ा आकर आपके मुंह पर लगा जाता है, बंद कर जाता है, यानी कि आपको उस तरफ जाने का मौका नहीं मिलता। उस तरफ क्या है, उस तरफ हो सकता है कि आपका सक्सेस है, उस तरफ आपका प्यार है, उस तरफ आपका इज्जत है, उस तरफ आपके सपने हैं, पर उन सपनों तक पहुँचने से पहले ही दरवाज़ा हमेशा मुँह पर ही मारा गया है गाइज। तो देखो वो दरवाज़ा ईश्वर आपके लिए खोल रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे आपको, बहुत सारे जो है ऑप्शंस आपके सामने आएंगे जिनको जो है आप अब पार कर पाओगे, यानी कि पहले ही अटेम्प्ट में जो है अब सब कुछ आपको आपको जो है मिल जाएगा, पहले ही अटेम्प्ट में। बार बार आपको 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 जो है अब ज़्यादा जो है अपनी एड़ियाँ रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर खुद चाहते हैं ना, जब ईश्वर चाहेंगे ना, तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा आपके जीवन में, है ना। हम इंसानों के हाथ में नहीं होता कि कुछ भी हम करें। आपको लेट गो करना है तो सबसे पहले देखो एंजल की तरफ से आया है लेट गो, तभी जब ये शब्द एंजल तब भेजेगा जब आप मैनिफेस्टर हो, जब आप कुछ पुकार रहे हो, मांग रहे हो, कुछ मांगा है, मन्नत मांगी है कि ये हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, हम मंदिर जाएंगे, दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, है ना। या फिर आप एंजल से मैनिफेस्ट कर रहे हो घर के अंदर बैठकर, आंखें बंद करके एंजल को याद करके, है ना, कई सारे मैनिफेस्टेशन के मेथड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उनके लिए ही सबसे ये आया है, और के लिए नहीं आया है जो मांग रहे हैं। तो मांगने का पहला ही जो एक पॉइंट होता है, जो फॉलो करना होता है, वो है लेट गो करना, यानी कि मांगने से पहले आपको भूलना होगा कि आप कैसे स्थिति से गुजरे हो, आपके साथ क्या क्या हुआ है, किसने आपके साथ क्या किया है, उन सारी चीज़ों को जब आप भूलोगे ना, भूलकर मांगोगे, वही मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो अभी आप ये करो, ठीक है, जो भी है, जैसा भी हुआ है, जिस कारण से हुआ है, जिसने किया है, सारी चीज़ों को भूलकर आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। ये आपके लिए एक सजेशन एंजल्स ने आपके लिए जो है भेजी है। चलिए चक्रा से भी देखते हैं क्या है। क्राउन चक्र आपकी अवेकनिंग बहुत बढ़िया गाइज, बहुत बढ़िया, नंबर 7 की एनर्जी आई है। क्राउन चक्र उसी को मिलता है ना गाइज जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, है ना। हर इंसान का थर्ड आई चक्रा नहीं खुलता है, हर इंसान में वो सद्बुद्धि नहीं होती है कि वो चीज़ों को देख पाए, है ना। आपकी क्राउन चक्रा अवेकनिंग होने का मतलब ही है कि आप बहुत ज्ञानी,
आप महात्मा है ना, आप बहुत बड़े गुरु, आप में वो सारे लक्षण हैं, आप कभी गलत नहीं कर सकते। अगर आज तक आपसे गलती हुई है ना, अगर आपने चीज़ों को समझकर भी ना समझी वाले कार्य अगर आपने किए हैं, है ना, अगर आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, तो अब आप यकीन मानिए कुछ भी अब आपके आंखों से छिप नहीं पाएगा, सच्चाई आपके सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने होगा, कोई भी गलत आपके सामने कर नहीं पाएगा। आपका थर्ड आई चक्रा यानी कि ईश्वर ने आपका वो नेत्र खोल दिया है, आपकी आपको वो सद्बुद्धि दे दी है जिससे कि जो है आप सही और गलत का जो है अंतर आप कर पाओगे, सही फैसला आप लोगे, सही डायरेक्शन पर आप जाओगे, सही रास्ता आप पकड़ोगे, गलत से आप दूर रहोगे, गलत को आप गलत ही कह दोगे, सही को आप सही ही कह दोगे। तो इस तरीके से जो है ईश्वर आपको वो सद्बुद्धि, आपको वो ज्ञान से जो है भर रही है, बहुत बड़ी अवेकनिंग आपकी थर्ड आई चक्रा की हो रही है गाइज। तो गाइज ये थी आपकी कलेक्टिव रीडिंग की कौन सी गुड न्यूज आपको या कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो कम्युनिकेशन इसमें एक आया है, दूसरा आपकी न्यू बिगनिंग जो है कैरियर या पैसों में हो रही है, और तीसरा जो आया है वो है पास से कुछ लोग क्योंकि सम पीपल वाला वर्ड आया था कि पास से कुछ लोग जो है आपके जीवन में आ रहे हैं जिसके साथ या तो आपका दोस्ती का रिलेशनशिप रहा है या जो आपका रोमांटिक पार्टनर रहा है, तो ऐसे लोगों की वापसी भी हो रही है। तो ये तीन चीज निकल कर आई है आपकी खुशखबरी में, देखते हैं किसको क्या मिलता है, है ना। सन तो सबसे बड़ा कार्ड आया ही है जो किसी पर तो बरसेगा, और ऐसे बरसेगा कि उसे ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। सन का मतलब सब कुछ होता है, बस एक खुशी नहीं, बहुत सारी ढेर सारी खुशी होता है सन। अब वो भी किसी को मिलने वाला है, पूरा का पूरा जो है सरप्राइज गिफ्ट ही मिलने वाला है कुछ को, तो कुछ को जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी मिल सकती है। तो इतना कहते हुए गाइज अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज।